आपने देखा किस तरीके का फॉर्म रहा है रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। पहले मुकाबले में टक्कर आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान वाला मुकाबला, उस मुकाबले के अंदर रोहित शर्मा द हिट मैन द कप्तान का शतक आया, 131 रन रोहित शर्मा ने बनाए। और उसके बाद जब अगला मुकाबला खेला पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मुकाबला, उस मुकाबले के अंदर भी रोहित शर्मा कप्तान साहब ने हमारे 86 रन बनाए। ये वर्ल्ड कप 2023 शानदार तरीके से रोहित शर्मा का चल रहा है भाई, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना ले, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और एशिया कप 2023 के अंदर भी स्टार्ट्स अच्छे दे रहे थे रोहित शर्मा। यानी कि जो फोकस था उनका वो 2019 वर्ल्ड कप वाला नजर आ रहा है। उससे पहले उन्होंने बोला भी था कि मैं 2023 वर्ल्ड कप के अंदर अपना 2019 वाला फोकस लाना चाहता हूं, और लग रहा है कि रोहित शर्मा अपने 2019 वाले फेज में है। 2019 के अंदर रोहित शर्मा ने 6 शतक जड़े थे, और इस टूर्नामेंट के अंदर 3 मैचेस के अंदर रोहित शर्मा का 1 शतक आ चुका, और दूसरा भी आ जाता 86 रन के ऊपर आउट हो गए, थोड़े से अनलक्की रहे थे रोहित शर्मा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने यहां पर रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए बहुत सारी बातें की है। आईसीसी एक बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा कितने ज्यादा काम और कैप्टन कूल टाइप से ज्यादा कुछ एग्रेशन पर दिखाते नहीं है फील्ड के ऊपर, लेकिन जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रोहित शर्मा तो बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के पास हमेशा एक एक्स्ट्रा सेकंड होता है। हमेशा हम बात करते हैं कि जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करता है तो ऐसा लगता है कि इनके पास काफी सारा समय है शॉट खेलते हुए। तो हमने ये चीज देखी, रोहित शर्मा जब बॉल शॉट्स लगा रहे थे तो उनको एक सेकंड या आधा सेकंड पहले पता चल जाता है कि ठीक है बॉल शॉट होने वाली है, फिर मैं कैसे अपनी बॉडी एडजस्ट करूं इस शॉट के हिसाब से। तो इसके ऊपर बात करते हुए रिकी पोंटिंग ने कहा कि रोहित शर्मा के पास काफी ज्यादा टाइम है बल्लेबाजी करते हुए, और रोहित शर्मा काफी ज्यादा एक्सेप्शनल टैलेंट है, आप उनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके अलावा विराट कोहली की भी तारीफ की रिकी पोंटिंग ने। विराट कोहली के लिए उन्होंने बोला कि विराट कोहली वो बल्लेबाज जो हमेशा अपना एक्स्ट्रा देता है, किसी भी कोई भी काम करता है तो उसके अंदर जो अपना दिल है वो ज्यादा लगाता है, कुछ भी काम होता है एकदम मन से करता है, और विराट कोहली टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप 2023 के अंदर एक बहुत ही बड़ा एसेट साबित होंगे। इसके अलावा टीम इंडिया के लिए क्या बोला रिकी पोंटिंग ने, रिकी पोंटिंग ने टीम इंडिया के लिए बोला कि मैंने हमेशा से माना था कि टीम इंडिया को इंडिया के अंदर हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इंडिया फेवरेट्स है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और इंडिया के अंदर इंडिया को हराना काफी ज्यादा मुश्किल वाला काम होता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, काफी सारे बड़े बड़े बल्लेबाज है, और टीम इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी ज्यादा सॉलिड नजर आ रहा है, काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सेप्शनल टैलेंट है टीम इंडिया के पास। तो टीम इंडिया के लिए बहुत सारी तारीफ किया भाई किसने, रिकी पोंटिंग ने, विराट कोहली के लिए बोला, रोहित शर्मा के लिए बोला है, लेकिन बाबर आजम के लिए कुछ नहीं बोला, थोड़ी सी पाकिस्तानी को मिर्ची लगी। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट अभी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर ठीक ठाक कर रहा है, अभी एक मुकाबला हार गया, लेकिन दो बड़े मुकाबले जो थे, दो छोटे मुकाबले जो थे माफ कीजिएगा, उसके अंदर हार मिली है। बड़ा मुकाबला आने वाला है पाकिस्तान का किसके बीच, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु के अंदर वो मुकाबला होगा, उसके बाद अफगानिस्तान का मुकाबला होगा चेन्नई के मैदान के ऊपर। यानी कि काफी सारे बड़े मुकाबले हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन देखने वाली बात होगी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर क्या एक बार फिर से हमें फेस ऑफ दिखेगा इंडिया और पाकिस्तान का, दो बड़ी टीम आमने सामने क्या एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगी, दोनों टीम जब क्वालिफाई कर पाएगी तब जाके हमें इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट एक साथ देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतने, कमेंट सेक्शन करके बताएं कैसे लगे आपको।